31 मई को लॉकडाउन 4 खत्म हो रहा है, तो क्या हम लॉकडाउन 5 के लिए तैयार हो जाएं या फिर कुछ और छूट हमको मिलने वाली है। देश में 25 मार्च से ही लॉकडाउन जारी है। लॉकडाउन 2, 3 और 4 में धीरे धीरे बहुत कुछ खुल गया है और खुला बाकी भी है कुछ। तो लॉकडाउन में ज्यादा फायदा हुआ है या नहीं, इस पर बहस जारी है। सरकार का दावा है कि इससे कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने में मदद मिली है। अब खबर है कि 1 जून से लॉकडाउन तो रहेगा, लेकिन इसमें लॉकडाउन जैसा कुछ नहीं होगा, यानी कुछ चीजों को छोड़कर सब कुछ करने की आजादी होगी। इसलिए हम कह सकते हैं कि 31 मई के बाद लॉकडाउन खत्म हो जाएगा। कैसा रहेगा लॉकडाउन 5? राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन का 4th चरण पूरा होने वाला है। इसके बाद के चरण में केंद्र की ओर से एक नया रोड मैप तैयार करने की संभावना है, जिसमें मॉल और रेस्टोरेंट खोलने की छूट दी जा सकती है। इस बात की प्रबल संभावना है कि सिर्फ कंटेनमेंट जोन में ही प्रतिबंध लागू रहेंगे और बाकी के कई क्षेत्रों को खोलने की अनुमति दे दी जाएगी। राष्ट्रव्यापी बंद 5 में दिल्ली मेट्रो शुरू करने से लेकर और बाजार खोलने की योजना सिरे चढ़ सकती है। इसके साथ ही धार्मिक स्थलों को भी खोले जाने की संभावना है, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग के नियम, फेस मास्क और आरोग्य सेतु ऐप मोबाइल में होना ज्यादा जरूरी होगा हर जगह, जो कि एक प्रकार का एंट्री टिकट माना जाएगा। मौजूदा लॉकडाउन की अवधि 31 मई को समाप्त हो जाएगी और माना जा रहा है कि अगला राष्ट्रव्यापी बंद कम से कम 10 दिनों तक विस्तारित किया ही जाएगा, लेकिन इस दौरान शिक्षण संस्थानों को सिर्फ ऑनलाइन कक्षाएं लगाने की ही अनुमति होगी। आगामी राष्ट्रव्यापी बंद के लिए प्रतिबंधों की नई श्रेणी में केंद्र कंटेनमेंट जोन पर अपना ध्यान केंद्रित करेगा, जहां पॉजिटिव मामलों और उनके संपर्कों की मैपिंग करने के साथ हालात को भौगोलिक रूप से परिभाषित करना होगा। इससे अधिकारी बंद के सख्त प्रोटोकॉल लागू करने में सक्षम होंगे। अगर आपको ये रिपोर्ट पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही अपने व्यूज हमें कमेंट करके जरूर बताएं। डेली ट्रेंडिंग न्यूज की रिपोर्ट, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल ऐसे ही लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग न्यूज के लिए।